दोस्तों जब हम रसमलाई देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है और लगता है पता नहीं कैसे बनी होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप बहुत ही आसान तरीका से घर पे आप बना सकते हो और इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी कि पड़ोसी भी आपकी तारीफ करेंगे। बढ़िया है ना। सभी के लिए राम राम जी। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और आज नीरज जी बनाने वाली है बहुत ही बढ़िया रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, क्या बनाऊंगी आज? इसका नाम है रसमलाई। जी हाँ दोस्तों, आज बनेगी रसमलाई, हमारी गांव देहात की देसी रसमलाई जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगती है। तो अभी यहाँ पे रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो नीरज जी ने सबसे पहले लिया है दूध। यहाँ पे एक कढ़ाई दूध लिए। कितना दूध होगा लगभग? दो लीटर यहाँ पे दूध होगा। तो हमारा गाय का दूध है देसी, तो वही ले लिया है हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको उबालना है। हाँ जी, उबालते वक्त थोड़ा गाढ़ा हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना लिया है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बन, हाँ आधा रह जाए है। तो अभी यहाँ पे आप देख लो जसन पीस वगैरह पिंगस यहाँ पे सब लोग यहाँ पे हैं और इनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसी के चक्कर में आज हमने सोचा कि आज बनाते हैं रसमलाई। तो यहाँ पे आप देख लो इस तरह से आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अगर आपने रोक दिया तो दूध नीचे लग जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में नीरज जी चला रही है, ऐसे ही आपको चलाते रहना है जब तक ये आधा दूध ना हो जाए है। और अभी हम जा रहे हैं गाय का दूध निकलवाने के लिए। नीरज जी जा रही हैं गाय का दूध निकालने के लिए और पिंकस को यहाँ पे हम छोड़ जा रहे हैं। पिंकस ऐसी चलाती रहेगी, ज्यादा उबले ना। हाँ, पर तुमने चला लेते रहना धीरे 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 धीरे, ज्यादा उबले तो लकड़ी खींच लेना बाहर को। ठीक है, मार्च कर लेना। हाँ, हम दवाई का दूध निकालने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, मैं यहाँ पे इसको बांध के खड़ा हूँ और नीरज जी दूध निकाल रही है क्योंकि ये बछिया है दोस्तों। इसको हमने किट लगवाई है और ना तो ब्याई है ना कुछ है, ना ग्यावन है ये। और किट लगवाने के बाद दूध देना स्टार्ट हो गई है, अभी स्टार्ट हुई है। तो इसको बांध के ही दूना पड़ता है। अभी लात मार देती है, थोड़ा डर रहता है लात मारने का, तो इसके चक्कर में मुझे साथ में आना पड़ता है। तो ये देख लो नीरज जी खड़े होकर दूर रही हैं डर के मारे, इसी वजह से कितना डर लगता है। डर क्या, दो बार तो अभी लात चला, देखो चला रही है, देखो ये फंस गई। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दूध आधा हो गया है और यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम अब डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे चीनी हम डालना भूल गए थे पहले ही, तो अब यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे। कोई बात नहीं है, मीठा ही तो करना है हमारे लिए है। तो आप जितना मीठा आप खाते हैं उतनी यहाँ पे चीनी डाल लेनी है। हमने थोड़ा डाला है चीनी क्योंकि हम मीठा कम खाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो आधा हो गया, गाढ़ा भी हो रहा है। और तो दोस्तों अभी यहाँ पे नीरज जी डाल रही है इसमें रंग। यहाँ पे वैसे तो केसर डालते हैं इसमें है, लेकिन केसर हमारे पास थी नहीं, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रंग डाल दिया है। ये देख लो इससे कलर आ जाएगा, तो इससे ही पूरा यहाँ पे ये कलरफुल हो जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों अभी इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा हमने रंग डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिए हैं मेवा, ये देख लो दोस्तों, थोड़े से लिए हैं काजू और लिए हैं बादाम, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और यहाँ पे हमारा जो ये दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, यहाँ पे उबाला आ रहा है ये देख लो दोस्तों, और कलर भी क्या ही मस्त आ रहा है यहाँ पे आप देख लो। तो अब बस बनने वाली है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब यहाँ पे इनको पहले काट लेंगे, काजू बादाम वगैरह सब कुछ काट के छोटे छोटे पीसों में और इसमें डाल देना है। तो अभी दोस्तों हमारे यहाँ पे मेवा यहाँ पे कट चुके हैं और यहाँ पे हमारी रसमलाई भी बन गई है। उतार लेते हैं अब इसको। दूध हमारा पूरा गाढ़ा हो गया है जितना हमें चाहिए। यहाँ पे आप देख लो आधा हो गया है, जैसे हमने बोला था कि आधा हो जाना चाहिए। और तो आधा हो गया है, अब देख सकते हो दोस्तों कलर क्या ही मस्त लग रहा है, रबड़ी जैसा है, रबड़ी लग रही है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमारी यहाँ पे बनने के लिए तैयार हो चुकी है और यहाँ पे हमारे मेवा भी यहाँ पे कट गए हैं। तो चलिए इनको डाल देते हैं इसमें, डाले जाएंगे ऐसे ही है। तो इन मेवाओं को इसमें डाल देते हैं ऐसे और मिला लेते हैं सही करके। ये देख लो दोस्तों क्या ही मस्त यहाँ पे हमारी रबड़ी बन गई है रसमलाई की। ये देख लो दोस्तों, अब यहाँ पे ब्रेड हम काट लेते हैं हैं। अब इसको ठंडा रहने देते हैं, ये ठंडी हो जाती है क्योंकि दोस्तों गरम गरम तो खा ही नहीं सकते। तो वैसे तो फ्रिज में रखते हैं इसको है ना, लेकिन दोस्तों हम फ्रिज में रखेंगे नहीं, ऐसी ठंडी कर लेंगे क्योंकि हमारी जो जसन है ना इसको सर्दी हो जाती है बहुत जल्दी और ये मानेगी नहीं खाना क्योंकि इसको बहुत अच्छी लगती है रसमलाई। तो इसी के चक्कर में हम ऐसे ही ठंडा करेंगे नॉर्मल। वैसे आप फ्रिज में रख सकते हो आप, उसके बाद खाओगे तो और ज़्यादा स्वाद आएगा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ब्रेड को हम काट लेते हैं। ये देख लो दोस्तों कैसे ही आप यहाँ पे बना सकते हो। हमने गिलास लिया है, गिलास से यहाँ पे बिल्कुल गोल यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल गोल बना है और ऐसे ही हम डिजाइन डिजाइन के यहाँ पे काट लेंगे। ये देख लो दोस्तों गिलास से नीरज जी काट रही हैं
तो बहुत ही अच्छा शेप आ रहा है, ये देख लो दोस्तों, बिल्कुल गोल आ रहा है। दिल वाला है कोई, कैसे वाला है, ऐसे बनेंगे। तो दिल वाला यहाँ पे आप देख लो, एक दिल वाला बना लेते हैं हम, तो ऐसे ही काट लेंगे सबको। एक ये दिल वाला बन गया हमारा, ये देख लो दोस्तों, ये हमारी एक दिल वाली रसमलाई के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे ही सब यहाँ पे काट लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, ये देख लो दोस्तों, हमने प्लेट में भी इनको लगा दिया है। अब बस बारी आती है यहाँ पे इस रबड़ी को, इस रसमलाई को इसमें डालने की। तो चलिए डालिए, अब यहाँ पे हमारी बनके तैयार हो जाएगी। ये देख लो दोस्तों, क्या ही मस्त लग रही है देखने में, मुँह में पानी आ रहा है अभी से, बिल्कुल बेहतरीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है रसमलाई, मस्त लग रही है देखने में। और यहाँ पे हमने तीन प्लेट लगाई हैं, दिल वाली ये है, ये गोल वाली ये है, और यहाँ पे ये चौखाना वाली ये है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, देखने में क्या ही मस्त लग रही है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है हमारी, और इतनी यहाँ पे हमारी रबड़ी बची भी है, तो बाद में यूज करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, ठंडी करके खाएंगे, हम दोनों लोग हैं, बच्चों को नहीं देंगे। ये दोस्तों इसको टेस्ट करके देखते हैं, ये देख लो दोस्तों क्या ही मस्त लग रही है देखने में, ये देख लो दोस्तों क्या ही मस्त लग रही है देखने में। तो चलिए खा के देखते हैं इसको कैसी बनी है हमारी। बहुत ही अच्छी लग रही है। चलो नीरज जी तुम भी खा के बताओ कैसी बनी है, बताओ जल्दी। बढ़िया है ना, बहुत ज्यादा बेहतरीन है ना। और ये जैसा अपने आप खाने लगी, ले अपने आप खाना स्टार्ट हो गई, चम्मच से पूछा भी नहीं, अपनी प्लेट में खाना स्टार्ट हो गई। आ जाइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है, और अपने घर पे आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है, और मेहमानों को खिलाओ, किसी को खिलाओ, तो जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना कैसी हमारी रसमलाई बनी है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।